यूजिंग मोबाइल फोन्स एंड यूज इंटरनेट इन दैट. सो व्हाइल यूजिंग इंटरनेट इट इज वेरी कॉमन दैट वायरस उसमें आ सकता है. ओके सो जब अगर वायरस आया तो बट ऑब्वियस है आपके अगर पीसी आपके मोबाइल में वायरस है आपके पीसी की स्पीड मोबाइल की स्पीड कम हो जाएगी, वर्किंग स्पीड कम हो जाएगी, मेमोरी में अगर वायरस है तो मेमोरी एक्सेप्ट नहीं करेगी, चीज़ें ऑटोमेटिक डिलीट होने लगेंगी, आपको लगेगा ये क्या है, बट कुछ नहीं होता है, वो वायरस होता है. आपके साथ क्या होगा, कई बार होता है हम अपना काम कर रहे होते हैं, पॉपअप ब्लॉक्स आते हैं, ठीक है, हम जनरली कई बार नहीं ध्यान दिया, हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ वायरस. तो बहुत सारे वायरसेस होते हैं जो कि हमारे पीसीज को क्या करते हैं, जनरली अफेक्ट कर देते हैं, और अफेक्ट करते हैं तो उससे हमारे वर्क पे भी अफेक्ट होता है, ठीक है. अब हमको मेजर्स टू प्रिवेंट वायरस, अगर हमें वायरस से बचना है तो वो क्या क्या हो सकता है, दैट इज दैट सी दिस इज द फायर वॉल. हम फायर वॉल लगा सकते हैं. व्हाट इज द यूज ऑफ फायर वॉल, फायर वॉल क्या करता है, जो भी अनवांटेड ट्रैफिक है उसको यहीं स्टॉप कर देता है, वो आप तक आने नहीं देता है. अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो जो भी अनवांटेड ट्रैफिक है वो यहीं स्टॉप कर देगा, और जो भी रेगुलर ट्रैफिक है वो आपका आता जाता रहेगा. मतलब अगर आपके पीसी के लिए कोई वायरस अगर उसको समझ दिख रहा है या कुछ भी ऐसा अनवांटेड डेटा है जो कि डाउट है कि वो वायरस हो सकता है, वो उसको नहीं आने देगा. वायरस ही गाइस ऐसे नहीं दिखता है कि वो वायरस है, वो आपके नॉर्मल फाइल एप्लीकेशन फोल्डर्स के ही फॉर्म में रहता है, बट वो अफेक्ट हो जाता है, इसलिए वो फोल्डर्स कई बार ओपन नहीं होते, कई बार वो फाइल्स वर्कआउट नहीं करती. समटाइम्स इट हैपेंस कि यूएसबी भी वर्कआउट नहीं करती हमारी पेनड्राइव, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो अफेक्ट हो चुकी है वायरसेस से, ठीक है. तो एंटीवायरस भी एक बहुत बड़ा क्योरेंस है आपको वायरस से बचाने के लिए. अगर हमने एंटीवायरस डाल के रखा है तो हम ये नहीं सोच सकते कि यस वी आर हैविंग एंटीवायरस हमारा पीसी सेफ है. नो नो नॉट एट ऑल, यू हैव टू अपडेट एंटीवायरस अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो. ओके एवरी डे न्यू वायरस इज जनरेटिंग, और न्यू वायरस आया मतलब यू हैव टू अपडेट योर एंटीवायरस एज वेल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द वायरस. ओके सिस्टम्स ऑफ द वायरस अटैक्स क्या क्या होगा, जैसे मैंने आप लोगों को बता ही दिया, पीसी स्लो हो जाएगा आपका, फ्लिकर करने लगेगा स्क्रीन, आप प्रिंट दे रहे हो प्रिंट मतलब जो भी कमांड्स दे रहे हो वो वर्कआउट नहीं होगा, आपको दिखेगा वर्क हो रहा है बट नहीं होगा, ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा कभी भी, कोई भी मतलब आप जो भी ड्राइव डिस्क ओपन करना चाह रहे हैं वो नहीं होगा. दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ द वायरस अटैक्स एज फॉर्म्स ऑफ वायरस अटैक्स. अब वायरस अटैक्स के फॉर्म क्या क्या होते हैं, सी है मालवेयर, वॉर्म, स्पाईवेयर, ट्रोजन एंड स्वीपर. मालवेयर क्या होता है, मालवेयर जनरली क्या होता है, स्पेसिफिकली डिज़ाइन ही किया जाता है डिस्ट्रप्ट ऑफ डैमेज करने के लिए, किस चीज़ के लिए, अनऑथोराइज एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम. जो भी आप अनऑथोराइज एक्सेस है उसको डिस्ट्रप्ट और डैमेज करने के लिए यूज़ किया जाता है मालवेयर. ओके वॉर्म, वॉर्म इज अ काइंड ऑफ वायरस जो कि आपके पीसी पे क्या करेगा, उसकी कॉपीज प्रोवाइड कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, अपनी ही मतलब आप उसी की पर्टिकुलर कॉपी बना देगा और उसमें क्या होगा, और जो ओरिजिनल कॉपी है उसे क्या कर देगा, अफेक्ट कर देगा. स्पाईवेयर, स्पाईवेयर इज अ काइंड ऑफ वायरस जो कि ऑथर को पता भी नहीं होता है और वो उस पर्टिकुलर फाइल को क्या करता है या उसकी पर्सनल डिटेल्स को क्या करता है, हैक कर लेता है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करता है. ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स इज अ काइंड ऑफ वायरस जो कि क्या करता है, एप्लीकेशंस पे मेनली अफेक्ट करता है. सम ऑफ द एप्लीकेशंस मान लीजिए हमारी हैं तो वो क्या करेगा, एप्लीकेशन को ही डिस्टर्ब करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा, और एप्लीकेशन को जो मतलब एप्लीकेशन जैसा दिखता है बट वो हमारी एप्लीकेशंस को डिस्ट्रॉय करता है. ओके स्वीपर, वायरस स्वीपर इज अ फेक एंटीवायरस प्रोग्राम ऑल्सो नोन एज अ रॉग. वायरस स्वीपर जो है वो फेक एंटीवायरस प्रोग्राम है, मतलब वायरस स्वीपर को एज एन एंटीवायरस यूज करते हैं बट एक्चुअली दैट इज अ वायरस. ओके नाउ एंटीवायरस, वायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मेनली क्यों यूज होते हैं, टू क्लीन योर कंप्यूटर. हम हमारे पीसीज को मतलब वायरस जो अफेक्ट है उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीवायरस यूज कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है. और एंटीवायरस क्या करता है, हमारे पीसीज को एग्जामिन करता है, स्कैन करता है फाइल्स को, ईच एंड एवरी डायरेक्टरीज को एक स्कैन करता है, और उसके बाद जो भी वायरसेस होते हैं उनको वो क्या करता है, वहाँ से रिमूव कर देता है. सी सम ऑफ द एंटीवायरसेस आर हेयर, कुछ है यहाँ पे जैसे कि पांडा हो गया, क्विक हिल हो गया, मैकफी हो गया, नॉर्टन हो गया, कैस्क्री हो गया, बिट डिफेंडर हो गया, दीज आर द सम ऑफ द एंटीवायरसेस जो हम
यूज़ करते हैं अकॉर्डिंगली हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. ठीक है, सो वी हैव डन विद दिस चैप्टर एज वेल. सो ट्राई टू कंप्लीट योर क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर एंड एक्सरसाइज एंड सबमिट दिस चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज टिल नेक्स्ट सैटरडे. ओके, थैंक यू.